एकदम अच्छे से मसाज करनी है बालों में, एकदम बहुत जैसे टाइम लगा के बहुत अच्छे से मसाज करनी है तो ज़्यादा असर दिखाई देता है और बालों की जड़ों तक ना आराम से तेल पहुंच जाता है। इस तरह से ना मसाज करोगे आप, बहुत अच्छा लगता है, एक तो रिलैक्स मिलता है और बालों में भी इतनी शाइन आती है ना, बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है एलोवेरा और नारियल का तेल डालने से ना, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। बस इस तरह से हाथ में लेके और मसाज करिए, अगर कोई करके दे तो और भी अच्छा, और ना कोई हो तो खुद ही कर लीजिए। वैसे शिल्पी कर देती है लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रही है तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ। इस तरह से ना वीक में 2 बार तो करिए ऑयल बालों में ना, अच्छे से मसाज करके जब भी आप बाल धोते हैं आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आप बालों में ज़रूर तेल डालिए, बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे आपके, एकदम शाइन भी करेंगे और हेल्दी भी हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए तेल डालने के बाद ना कितने सुंदर बाल हो जाते हैं, शाइन भी कितनी आ जाती है ना बालों में, बहुत सुंदर हो जाते हैं बाल। इस तरह से अगर तेल डालोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और एलोवेरा और नारियल तेल का तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर बाल हो जाते हैं। इस तरह से देखिए कितनी शाइन आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। और टाइम हो रहा है 10:30, तो 10:30 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत क्योंकि 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं जा रहा था, कल गया है, उससे पहले मैंने 2-3 दिन गैप कर दिया था, तो अभी मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स डालूँगी कोशिश करूँगी पूरी तरह से कि मैं डेली ब्लॉग डाल पाऊँ। कई बार हो जाता है कि रह जाता है। और चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और मुझे नेल पेंट भी चेंज करना है, देखिए मेरे सारे नेल्स टूट गए हैं, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है इस वाले नेल्स में, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे हैं इसमें। और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको तो सबको पता है कि मेरे कितने बड़े बड़े नाखून रहते हैं, देखिए बिल्कुल भी नहीं है इस वाले फिंगर का तो बुरी तरह से ही टूटा था, किस चीज़ में फंस गया था वो और अटक के टूट गया था, तो काफ़ी आगे तक चला गया था वो, काफ़ी खून वून भी निकला था उस टाइम पर। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए तो बहुत प्यारा लगता है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, एकदम कलरफुल है ना, बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं पहले बाहर। तो ये देखिए घर की छत बनने लग गई है अभी, तो काफी अच्छा लग रहा है वैसे तो। आगे की तरफ तो ना खाली रखा है और पीछे की साइड एक घर बना रहे हैं। तो आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है क्योंकि एक हफ्ता हो गया था मुझे दूसरी वाली बिछाए हुए, तो आज मैंने इसको चेंज कर दिया। और ये चेक्स वाली बिछाई है, बहुत अच्छी लगती है, कलरफुल है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी भी पीछे काफ़ी ठक ठक की आवाज़ आ रही है,
क्योंकि पास में ही वो घर है ना जिसका काम चल रहा है, तो सॉरी अगर ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो। और मैंने रूम की भी क्लीनिंग कर ली है सारी। और अभी टाइम हो रहा है खाना बनाने का, तो सब्जी तो मैंने बना ली है, अभी बस चावल ही बनाऊंगी, तो वही साफ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर उनको बनने के लिए रख दूंगी। और अखिल और शिल्पी तो अंदर रूम में बैठे हुए हैं दोनों। शिल्पी पढ़ाई कर रही है और अखिल मेरे साथ ही बातें कर रहा था पीछे खड़ा होके। क्या करें, बच्चे आजकल घर पे ही हैं, कुछ काम नहीं है उनके पास भी। और यहाँ से विंडो में से दिखाती हूँ आपको, कितना अच्छा व्यू दिखाई देता है, बहुत सुंदर लगता है बाहर। एक तो ग्रीनरी और सामने बिल्डिंग आती है तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर दिखाई देता है यहाँ से। और चावल भी मैंने रख दिए बनने के लिए, बस थोड़ी देर में बन जाएंगे, फिर उसके बाद हम खाना खा लेंगे। और थोड़ा बहुत किचन गंदा था तो मैंने सोचा चलो साथ साथ में ये भी साफ़ कर लेती हूँ, तब तक चावल भी बन जाएंगे और जो डस्ट वगैरह है वो भी साफ़ हो जाएगी। तो किचन काउंटर भी मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से, और उसके बाद थोड़े से बर्तन है तो मैं सोच रही हूँ वो भी साफ़ कर लूँ। और दूध को भी मैंने फ्रिज में रख दिया, और जो थोड़े से बर्तन है चाय के और एक दो बर्तन और हैं तो उनको भी मैं क्लीन कर लूँगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर आराम से बैठ के खाना खाएंगे। तो ये सारा काम भी मैंने ख़त्म कर लिया और उसके बाद फिर हमने खाना खा लिया था, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं जाऊंगी योगा के लिए। और ये मेरी पानी की बॉटल है तो मैं ये लेके जाती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं योगा। ये आंटी हैं, हमारे फ्लोर पे ही रहती हैं, खुला रखो, तो उनसे कहती कि लिफ्ट खुली रहने दो, जाना है। और अब मैं पहुंच गई योगा में। हाँ चलो। और अभी आरची कहाँ जा रही है? हम टेरेस पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं टेरेस पे? योगा करने के लिए। हाँ। तो आरची योगा करती है? हाँ। आज ठीक, चलो धीरे 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 धीरे, भागना नहीं। इतना सुंदर व्यू है ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आज थोड़ा साफ नहीं था मौसम, तो पीछे की तरफ पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं हल्की हल्की, और चारों तरफ नारियल के पेड़, आम के पेड़, बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है देख के, मन को बहुत ही खुशी होती है इस तरह से हरियाली देख के ना। और योगा से आने के बाद मैंने कर ली डिनर की तैयारी, तो मैं ये बना रही मंचूरियन। और मैंने सोचा था आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन मुझे बीच में फ़ोन आ गया तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं ये फ्राई कर लूँगी इनको अच्छी तरह से, काफ़ी अच्छी बनी थी सब्जी। और दूसरी गैस पे शिल्पी बना रही है भिंडी, उसने भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लिया था पहले, और उसके बाद जब भिंडी फ्राई हो जाएगी तो उसमें प्याज डाल दिया उसने थोड़ा सा, और जब प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा तो उसमें मसाले ऐड कर देगी वो। और बीच बीच में अखिल आके देख रहा था कि किस तरह से बना रही है वो सब्जी। और
अखिल टेस्ट करके भी देख रहा है, काफी अच्छी बनी थी वैसे तो। और अब मैं ग्रेवी बना दूंगी। तो मैंने यहाँ पे लहसुन को पहले कूट लिया था और उसको हल्का सा गोल्डन होने दिया। उसके बाद शिमला मिर्च, और मैंने एक कटोरी में ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली और सोया सॉस, और उसमें थोड़ा सा विनीगर डाल के उसको मिक्स करके अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मैं इसको अच्छे से पका लूंगी, और उसके बाद फिर मैं पानी लगा दिया मैंने इसमें। और अब इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर घोल के इसको भी डाल दिया, जब पानी उबलने लग गया था उसके बाद ही डालेंगे। और फिर थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। और जब ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी ना, तो उसमें हम बॉल डाल देंगे जो हमने बना के रखी हुई है पहले ही, और इनको भी हम अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो चलिए फिर इसके साथ ही करती हूँ वीडियो का एंड। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अब हम मिलेंगे एक और अच्छी वाली वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू।